ठीक है बताएं आके का नाम क्या है और कहां से बोल रहे हैं जी मैं मेरा नाम सज्जाद है मैं दुबई से बोल रहा हूं कहां के रहने वाले हैं शुरू के जी मैं पाकिस्तान से रहने वाला हूं और लास्ट फिफ्टीन 16 इयर्स अगो आई एम इन दुबई ठीक है क्या काम करते हैं सो so, दुबई मुझे मैं टूरिज्म इंडस्ट्री में था पहले अभी हेवी बस का लाइसेंस भी है छोटा भी लाइसेंस में ए,

ऐसे अप्लाई किया था मैंने एजेंट आपको पता है दुबई में बहुत ज्यादा है लेकिन वो वही घुमाने वाली बात ही है तो आपकी वीडियो मैंने देखी आप उसमें काफी बेहतर मुझे इंफॉर्मेशन मिली है तो उसमें काफी सच्चाई मुझे दिखी है तो इस के लिए मैंने आपसे Skype भी नहीं था मेरे पास अभी मैंने डाउनलोड किया अकाउंट का कांटेक्ट किया ठीक थी। है तो चलो उसके उसके ही हवाले से आगे बढ़ते हैं आ, कि जो पुरानी आपने वीडियोस देखी और उसमें जो जो रियलिस्टिक हमने एक एक नहीं आंकब मैनी उसके बताया तो उसके उसके तरीके से फिर आपको देखते हैं कि आपका क्या होगा बस ड्राइवर की आ, ब्रदर बात यह है रियलिटी है कि यहाँ पर कोई जॉब नहीं है ठीक है बस ड्राइवर की टैक्सी ड्राइवर लेमोजीन ड्राइवर ऐसी कोई जॉब नहीं है जब तक आप यहाँ पर पीआर नहीं होते वैसे एक फॉरेन वर्कर को सीधे सीधे ऐसे वर्क परमिट मिल जाए ये नामुमकिन है मैंने तो देखा नहीं इतने साल पता नहीं नामुमकिन हो सकता है लेकिन मैंने देखा नहीं आज तक जहाँ तक ड्राइविंग की बात है जो बड़े बड़े ट्रक चलाते हैं जो फिफ्टी थ्री फुट उसमें ट्रेलर होता है और उसमें आ, उसमें ट्रैक्टर में अठारह गेयर होते हैं काफ़ी बड़ा ट्रक है वो जिसमें करीब करीब अस्सी हज़ार पाउंड माल लदा होता है उसमें तो इस तरह की अगर ट्रक जो लोग चलाते हैं दुबई में एक साल दो साल जिनका एक्सपीरियंस है और उनका कोई ना कोई जुगाड़ हो सकता है एज़ अ ट्रक ड्राइवर इन कैनेडा बशर्ते कि वो कोई जॉब उन्हें मिल जाए और एम्प्लॉयर्स को ट्रक ड्राइवर की ज़रूरत भी है और ट्रक ड्राइवर्स उन्हें चाहिए भी हैं दुबई के ट्रक ड्राइवर्स को वो आ, उनकी ट्रेनिंग और को लाइसेंस की कदर भी करते हैं मसला सिर्फ यही है कि जॉब ढूंढने कैसे बीच में बिचौलियाँ हैं बीच में इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं लॉयर्स हैं मे बी कंसल्टेंट्स हैं वो बीच में थोड़ा इधर उधर दलाली खा रहे हैं यहाँ से पैसा वहाँ वहाँ से वहाँ बीच में कुछ ना कुछ वो उसको रकम को रकम को जैसे चूहा को उतर जाता है ना वैसे वो उतर रहे हैं उसमें तो ये है सच्चाई और वो लेकिन ट्रक ड्राइवर के लिए तो आपका वो है नहीं तो इसलिए मैं आपको कोई उम्मीद नहीं दे सकता कि आपका क्या होगा कैसे होगा ये आ, ये है सच्चाई आपकी एजुकेशन क्या है आ, मैट्रिक तक है मैट्रिक तक है तो आ, 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 आप शादी शुदा है जी जी आपके कहाँ है वाइफ वा बच्चे और कहाँ है पाकिस्तान अच्छा उनकी क्या क्वालिफिकेशन है आ, बेटा बीए कंप्लीट है और बाकी छोटे पढ़ रहे हैं

आई डोंट सी इट हैपनिंग सो कोई भी कंसल्टेंट या लॉयर आपको कोई अगर कोई अगर uh, uh, जाल में फंसा रहा है तो इट इज़ ऑबियस कि उन्हें पता नहीं है कि रियलिस्टिक है भी कि नहीं है आप उन कंसल्टेंट से पूछ लें कि भाई अगर आपके पास कोई एल एम आई ए है ड्राइविंग का तो पहले हमें एल एम आई ए की कॉपी दिखा दें फिर आगे बात करेंगे अदरवाइज दे आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम मे बी टेकिंग मनी एंड गिविंग यू फॉल्स प्रामिस और कोई क्वेश्चन पूछना है तो मेरे से पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच बस इतना काफी थैंक यू थैंक यू टेक केयर खुदा हाफिज़